नमस्कार, स्वागत है आपका IND24 में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। आपको बता दें, अटल विकास यात्रा आज पहुंचेगी धमतरी। भाखड़ा में सीएम डॉक्टर रमन सिंह करेंगे आमसभा को संबोधित। और 14 अरब 63 करोड़ 95 लाख से अधिक विकास कार्यों की देंगे सौगात। 429 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री वितरित भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर की बता रहे हैं। आपको बता दें, और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुलेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, आज अटल विकास यात्रा धमतरी पहुंचने वाली है, क्या कुछ आज सौगातें मिलने वाली है यानी कि धमतरी को? जी सचिन, आपको बताना चाहूंगा कि अटल विकास यात्रा का दूसरा चरण ये चल रहा है, जिसके तहत धमतरी के भाखड़ा में एक बड़ा आमसभा का आयोजन किया गया है। वही अगर बात की, सबसे जो बड़ी सौगात है वो धमतरी को इस अटल विकास यात्रा में मुख्यमंत्री आज देने वाले हैं। 14 अरब 63 करोड़ 95 लाख से अधिक के 270 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा सचिन के सबसे जो बड़ी जो घोषणा ये मुख्यमंत्री यहाँ पे दे रहे, बड़ी सौगात यहाँ पे हम सभी को लोग को दे रहे हैं। 14 अरब 63 करोड़ का 270 कार्यों का भूमि पूजन यहाँ पे किया जाएगा। वही अगर बात की जाए तो हितग्राहियों की, तो लगातार मुख्यमंत्री हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 2 करोड़ 92 लाख रुपए के सामग्री और चेक का वितरण किया जाएगा। वही तेंदू पत्ता और धान बोनस भी साथ में दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो आज का एक आयोजन है धमतरी में, काफी बड़ा आयोजन है, क्योंकि जिस तरह से जो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री धमतरी के धमतरी निवासी के लोग को दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों के लिए काफी बड़ी सौगात के तौर पर 14 अरब 63 करोड़ 95 लाख की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दे रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की अटल विकास यात्रा में जो सबसे बड़ी सौगात है धमतरी को आज दिया जाएगा। जी कुलेश्वर, देखा जाए 14 अरब 63 करोड़ 95 लाख से अधिक विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है, यानी कि इस आयोजन को महाभव्य आयोजन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी निश्चित तौर पर सचिन, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री सभी जो जिला विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इतनी जो बड़ी सौगात है ये मुख्यमंत्री या धमतरी को लोगों को दे रहे हैं। इस पूरे अटल विकास यात्रा में अगर सौगात की बात की जाए तो बड़ी सौगात है ये, तो 14 अरब का मुख्यमंत्री वहां पे देने वाला। तो निश्चित तौर पे एक महाभव्य वहां आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री करीब 11 बजे पहुंच के वहां धमतरी की जनता को संबोधित करेंगे और हितग्राहियों को वहां पे चेक और सामग्री वितरण करेंगे। जी कुलेश्वर, एक बात इसमें सामने और आती है कि जैसे जैसे मुख्यमंत्री साहब आगे जाते जाते हैं, तो उनकी जो हितग्राहियों को राशि देनी होती है, विकास कार्यों की सौगातें देनी होती है, वो धीरे धीरे अब ऊपर बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता रहा हूँ कि धमतरी क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस के विधायक है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस समय एक भी विधानसभा क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहते, तो ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के विधायक है वर्तमान में, तो वो भी सीट को अपने में लाने के लिए ये बड़ी जो सौगात है वो अगर देखा जाए तो इसीलिए वो इतनी बड़ी सौगात धमतरी को दिया जा रही है, क्योंकि धमतरी के लोगों की हमेशा से मांग थी कि इस तरह से सड़क है और वहां पे ओवरब्रिज नहीं है, तो लगातार धमतरी के जो जनता उनकी मांग थी कि यहाँ पे एक ओवरब्रिज वहां पे लिया जाए। तो निश्चित तौर पर ये जो सौगात बड़ी सौगात दे रही है, तो जनता कहीं ना कहीं इससे काफी वहां पे खुश नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए कुलेश्वर। तो आपको बता रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, अटल विकास यात्रा आज धमतरी पहुंचेगी। सीएम डॉक्टर रमन सिंह आमसभा को धमतरी में संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 14 अरब 63 करोड़ 95 लाख से अधिक विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम। बड़ी सौगात यानी कि धमतरी के निवासियों को यहाँ पर मिलने वाली है।